AMD Ryzen और Intel Core, ये दो ऐसे प्रोसेसर हैं जो कि आजकल मेनली लैपटॉप्स में लग रहे हैं। तो अगर आप लैपटॉप बाय करने मार्केट में निकले हैं तो आपको इन दोनों में से क्या लेना चाहिए और क्या आपके लिए बेटर रहेगा और क्यों, आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर एंड यू आर वॉचिंग टेक निंजा एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। बात कर रहे हैं हम AMD Ryzen की और Intel Core प्रोसेसर की। दोनों ही प्रोसेसर अपने आप में बहुत ही बढ़िया हैं। ये वो वाला टाइम नहीं है कि 2016 वाला कि उसमें क्या होता था कि AMD के प्रोसेसर इतने अच्छे नहीं आते थे एज कम्पेयर टू Intel। हाई एंड में आप अगर देखते उस टाइम तो Intel के प्रोसेसर से ज़्यादा डोमिनेटिंग थे एज कम्पेयर टू AMD, और AMD के सिर्फ 20 या 30 के का अगर लैपटॉप कोई होता था तो उसकी कैटेगरी में आते थे। और हम तो यही समझते थे कि यार AMD का प्रोसेसर तो एकदम बकवास है, हमको लेना ही नहीं है, हम तो भाई Intel ही लेंगे, भले ही कुछ भी हो, भले हम Intel का Pentium ले लेते थे बट AMD का प्रोसेसर हम नहीं लेते थे। तो वो भी उस टाइम वो भी गलत था। और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी एक्चुअल में ये है कि AMD और Intel दोनों के प्रोसेसर काफ़ी कंपेरेबल, काफ़ी अच्छे जो है स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये तीन जो मैं जो पैरामीटर्स बता रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों प्रोसेसर को, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आपको इन दोनों प्रोसेसर में से क्या चूज करना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स हैं प्राइस, परफॉर्मेंस एंड पावर। तो पहली बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल लैपटॉप लेने निकलता है मार्केट में तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस ही रहती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि प्राइस जो है एक ऐसी चीज़ हो गई कि सबका अलग अलग बजट है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि किसी को 40 का लैपटॉप लेना है, किसी को 30 का, किसी को 60 का, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से आपके पास AMD के ऑप्शंस भी अवेलेबल है और Intel के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो आपको इसमें से क्या लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, सिंपल, आप एकदम कन्फ्यूज मत होइए। तो इसमें आप यही समझ सकते हैं कि अगर आपको एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जिसमें आप नॉर्मल आप एक्सेल चलाने वाले हैं, वर्ड चलाने वाले हैं, पावर पॉइंट, सिंपल मल्टीटास्किंग करेंगे, तो आप भले AMD का Ryzen 3 ले लो या Intel का i3 ले लो, आपको ऐसे कुछ माइनर आपको कुछ बहुत मेजर डिफरेंस पता नहीं चलने वाला है। दोनों की परफॉर्मेंस आपको एकदम सिमिलर मिलेगी, तो उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मल्टीटास्किंग में पता चल सकती है, क्यों? क्योंकि जो AMD है उसके कोर्स और थ्रेड्स ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू Intel। तो अगर आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपको फिर भी थोड़ा पता चल सकता है, बट डे टू डे टास्क में आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक Intel का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं या आप एक AMD का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस के मामले में जो 2016 और 17 का मार्केट था AMD का, वो काफ़ी बेकार था। मैं भी मानता हूँ कि AMD के प्रोसेसर उस टाइम बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे, सिर्फ लो एंड में मॉडल में 20-30 के में मिलते थे AMD के, और हाई एंड में तो मिलते ही नहीं थे, हाई एंड पे सब लोग Intel लेते थे। ठीक है, वो बात अलग है, बट अब जो है टाइम चेंज हो चुका है। अब जो है AMD के प्रोसेसर बहुत ही डोमिनेटिंग हो चुके हैं मार्केट में और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो 8 कोर्स और 16 थ्रेड की वजह से, और एट द सेम टाइम आपको जो कैश है वो भी ज़्यादा मिल रही है। अगर हम AMD के Ryzen 7 को और Intel को i7 जो कि 11th जनरेशन, तो उन दोनों को कंपेयर करें तो 11th कोर Intel का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 8 कोर और 8 थ्रेड्स ही मिल रही है एज कम्पेयर टू हमको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिल रही है AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर में। और कैश की बात करें तो यहाँ पे हमको सिर्फ 8 या 16 MB कैश ही मिल रही है, बट यहाँ हमको अराउंड 36 MB कैश मिल रही है। तो कैश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मल्टीटास्किंग काफ़ी फास्ट होने वाली है Ryzen प्रोसेसर में एज कम्पेयर टू Intel के प्रोसेसर। तो अगर आप मल्टीटास्किंग से पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, या आप चाहते हैं Adobe Premiere Pro चलाना, आप Adobe After Effects चलाना चाहते हैं, तो AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर या AMD के प्रोसेसर ज़्यादा बेनिफिशियल आपको साबित होंगे एज कम्पेयर टू Intel के प्रोसेसर। तो ये बात ध्यान रखिए। और अगर आप बड़ी अच्छी लैपटॉप की सीरीज़ भी देखेंगे, लाइक Asus ROG देखेंगे, तो उसमें मेनली Ryzen 7, Ryzen 9 के साथ ही ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल है एज कम्पेयर टू Intel। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है Intel अच्छा नहीं है और एकदम वो इसकी पार्टनरशिप है, ऐसा नहीं है। कॉम्पेटिबिलिटी जो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जो AMD और GTX की कॉम्पेटिबिलिटी, वो भी काफ़ी शानदार है। इसलिए तो Asus ROG जो है वो अटैच कर रहा है अपने साथ Ryzen प्रोसेसर, नहीं तो आप भी सोचिए वो क्यों करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक फाइनल पैरामीटर की बात कर लेते हैं जो कि था अपना पावर। अब पावर में AMD के प्रोसेसर जो है वो थोड़े ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू Intel के प्रोसेसर।
क्योंकि AMD के प्रोसेसर्स क्या होता है कि उनके जो कोर्स और थ्रेड्स होते हैं वो इतने हाई हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा पावर कंज्यूम वो ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू इंटेल के प्रोसेसर्स। पर वो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डे टू डे यूज़ में हम क्या करते हैं कि हम होम पे लैपटॉप चलाते हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा पावर का इशू नहीं। आप चार्जिंग पे भी चला सकते हो, क्योंकि चार्जिंग पे जो होता है अपना लैपटॉप होता है बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो चार्जिंग पे चलाइए, परफॉर्मेंस बूस्ट उसका आप मज़ा ले सकते हैं AMD का। और अगर हम प्राइस का कंपेयर करेंगे, एक और बार जो मैं वापस इस पॉइंट को दोहरा रहा हूँ, प्राइस का कंपेयर करेंगे तो आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर जो है वो अराउंड अभी मार्केट में 38,000 के अराउंड रेंज में मिलेगा, और वही सेम आपको राइजन 7 प्रोसेसर मिलेगा 37,000 की रेंज में। तो 37,000-38,000 लगभग 1,000 का अभी अंतर है, बट इंटेल के कोर i9 और फिर ये जो एकदम से रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है इंटेल, और एट द सेम टाइम राइजन 9 इतना महंगा नहीं मिल रहा है, तो उसके हिसाब से भी राइजन प्रोसेसर यहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं एज कम्पेयर टू इंटेल कोर प्रोसेसर। तो ये हो गई राइजन और इंटेल का एक कंपैरिजन वीडियो, और अगर आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और लाइक भी कर दीजिए अगर ज़्यादा अच्छी लग गई वीडियो, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ अबूर साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।